हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कुमारी रीमा की रसोई में। तो चलिए आज कुछ नया बनाते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं, नई रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से शिमला मिर्च को कट कर लिया है, थोड़े से टमाटर को कट किया है, यहाँ मूली को मैंने ग्रेटर में डाल करके ग्रेट कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है, कुछ लहसुन के कलियाँ को मैंने कट कर लिया है और हरी मिर्च 2 से 3 मैंने लिया है। आप देख सकते हैं तेल मैंने गर्म कर लिए है, उसमें आप थोड़े से अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाल करके सबसे पहले आप लहसुन को पका लें अच्छे से गोल्डन होने तक। उसके बाद में आप इसमें जीरा डालें और उसे अच्छे से भुने। इसके बाद आप इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ ये गोल्डन हो चुका है पूरी तरह से। अब आप इसमें प्याज और अदरक डाल करके अच्छे से उसे भी भून लें, जिस तरह से मैंने यहाँ पे भुना है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अदरक को डाला है कद्दूकस किए हुए, 1 इंच के लगभग अदरक है, जिसे आप डाल करके इसे भी अच्छे से भून लें और फ्लेम को धीमा ही रखें, जिससे ये अच्छे से पके और जले नहीं। बराबर से आप इसे चलाते रहें। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मूली, सबसे पहले आप टमाटर मटर डालें इसमें, थोड़े से मटर आप इसमें डाल दें। टेस्ट इससे बहुत ही अच्छी और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। अगर शिमला मिर्च हो तो डालें या स्किप भी कर सकते हैं। इनमें से आप 1 से 1.5 चम्मच के लगभग नमक डाल दें, जिससे ये गल जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे इन्ग्रीडियंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ उबले हुए चने लिए हैं और मूली जो मैंने ग्रेट कर लिए थे उसे लिए हैं। इससे और सारे सब्जियों के इंग्रेडिएंट्स में मिल जाएंगे तो बहुत ही टेस्टी है। अक्सर ऐसे आप देंगे बच्चों को तो खा नहीं पाते, अच्छे उन्हें नहीं लगते और मुझे खाना नहीं पसंद करे। इस तरह से आप बनाएंगे तो वो उंगलियाँ चट चट करके खाएंगे और आप इसे ब्रेकफास्ट में भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 1 कटोरी चने लिए हैं पोहे वाले चूड़े, और उसे डाल करके आप उसमें 1 से 1.5 चम्मच के लगभग पानी डालकर उसे सॉफ्ट कर ले। 1 मिनट के लिए सॉफ्ट होने के लिए ढककर छोड़ दे। उस इधर आप सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करें और इसमें कुछ मसाले आप ऐड कर सकते हैं, जिससे इसकी टेस्ट और भी अच्छी बन जाए। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े मसाले ऐड करूँगी। आप इसे ध्यान रखें, बराबर से चलाते रहें, जिससे ये जले नहीं। यहाँ पर मैं सबसे पहले हल्दी पाउडर थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी, 1/2 चम्मच के लगभग। आप चिली पाउडर इसमें ऐड कर दे, डाल दे 1/2 चम्मच के लगभग, क्योंकि मैंने ग्रीन चिली भी डाले हैं। हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पे सब्जी मसाले और थोड़े से चुटकी भर के लिए गरम मसाले और चाट मसाले 1 से 1.5 चम्मच डाले, जिससे टेस्ट और भी अच्छा हो जाए। सारे इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से इसमें मिलाएं और मिक्स करें, मसाले हल्के से भून जाए। उसके बाद में आप इसमें पोहे को अधिक न भिगाए, नहीं तो ये पूरा अच्छा नहीं बन पाएगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे गीले गीले और खिले खिले हैं ये। इतनी अच्छी इसकी रेसिपी बनेगी कि क्या बताऊँ। मिक्स वेजिटेबल पोहा आप लोग प्लीज़ एक बार बना करके देखिए, खिलाइए, खाइए, इतना टेस्टी बनेगा। आप इसे ब्रेकफास्ट में बच्चों को लंच में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ों में ये बहुत जल्दी बन भी जाता है। और आप छोटी मोटी भूख में आप इसे ठंडियों के टाइम पे इंजॉय करें। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। आप इसे डेकोरेट धनिया की पत्ती आलू भुजिया से आप इस डेकोरेट कर सकते हैं, या कोई भी नमकीन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे और भी इसकी टेस्ट बढ़ जाती है और गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।